सो हेलो स्टूडेंट, पिछली कुछ वीडियो में हमने जाना था कि बेंजीन से फिनॉल, बेंजीन से बेंजोइक एसिड है, बेंजीन से बेंजलमाइन कैसे बनाते हैं। आज वीडियो में जानेंगे बेंजीन से बेंजल डिहाइड कैसे बनता है। तो इसके लिए कुछ नेमिंग रिएक्शंस है। सबसे पहले नेमिंग रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि बोर्ड में कई बार नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। सबसे ईजी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बेंजीन को ट्रीट कराना पड़ता है कार्बन मोनोक्साइड से और HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl3। ये क्या बना देगा, ये हमारे पास बना देता है बेंजल डिहाइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें इस बात का ध्यान रखें कि रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। कार्बन मोनोक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, HCl इंपॉर्टेंट है और एनहाइड्रस AlCl3। अगर ट्रिप्लस क्लोराइड ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, पर लेकिन इन तीन को जरूर लिखें तभी गटरमैन कोच रिएक्शन मानी जाती है और आपके पास बेंजल डिहाइड तैयार हो जाता है। दूसरा जो रिएक्शन है वो है क्या, बेंजीन में CrO2Cl2 डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बनता है CrO2Cl2 की प्रेजेंस में हमारे पास एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये हमारे बन जाता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे CrO2Cl2H का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये हमें दे देगा बेंजल डिहाइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो अगर आपके पास आ जाए कि इटार्ड रिएक्शन या गटरमैन कोच रिएक्शन लिखिए, तो आप इस तरह रिएक्शन लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आ जाए कि बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाइए, तो भी आप इन रिएक्शंस के जरिए बेंजीन से बेंजल डिहाइड बना सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप बेंजीन से बेंजल डिहाइड बना पाएंगे, उसको बोलते हैं हम क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। अब क्या करेंगे हम, इसमें बेंजीन में हम ऐड कर देंगे Cl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है, क्योंकि लाइट में क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स ही रिएक्शन को जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें फोटॉन्स डाल देते हैं और ये हमारे पास बन जाता है CHCl2, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें मिल जाता है बेंजल डिहाइड। तो ये कुछ तीन रिएक्शन है जिसे आप याद कर सकते हैं, आपके NCERT में भी गिवन है, और रिएजेंट्स को याद रखें। और अगर आप चाहें तो इस कॉम्प्लेक्स को ना भी दिखाएं, जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स दिखाया है और बीच में हमने इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स दिखाया है, इसको अगर आप ना भी दिखाएं, सीधा अगर आप बना के दिखाते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं CrO2Cl2 और यहाँ ये लिख सकते हैं H3O+, तो सीधा भी दिखा सकते हैं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड में सीधे नंबर मिल जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया कि बेंजीन से बेंजल डिहाइड कैसे बनता है। बाकी के रिएक्शन हम आगे की वीडियो देखेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा। कुछ भी कमेंट में आपको कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।